नमस्कार, मैं हूं अंबुज गोस्वामी, आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूले। श्योपुर जिले के नगर परिषद विजयपुर में अध्यक्ष व प्रभारी सीएमओ की मनमानी के चलते परिषद के संविदा कर्मियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने अध्यक्ष व प्रभारी पर आरोप लगाया कि 73 कर्मचारी जिनके मांग करने के बाद भी वेतन नहीं बढ़ाया, जबकि दो चहेते कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, बाकी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। लोकहित की आवाज के लिए विजयपुर से अमित सिरोटिया की रिपोर्ट। नगर पालिका कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे, इसका कारण क्या है? हमारा कारण है कि हमारा पक्षपात हो रहा है हमारे साथ में। क्या है, दो लड़कों की वेतन बढ़ गई है, उसके बाद हमारी कोई वेतन कोई बोझ नहीं, इसलिए हम श्रीमान जी सीएमओ से और अध्यक्ष महोदय से हम ये चाहते हैं कि उनकी बराबर हमारी सैलरी कर दी जाए। और हमारी कोई किसी बात की किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जाति हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो श्रीमान जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारी वेतन बढ़ाई जाए। नगर पालिका हड़ताल पे बैठे हुए कितने दिन हो गए हैं तुम्हें? हमें 2 दिन हो गए हैं, कल से बैठे थे, 12 तारीख से बैठे हुए हैं हम। हमारी कल भी कोई मांग नहीं पूरी हुई है, ना आज हमारे पास कोई भी आया है, इसलिए हम इनसे निवेदन करते हैं कि हमारी वेतन वृद्धि के लिए आप सहयोग करें। नाम बता दीजिए, नाम बढ़ाए हैं हमारे साथ में, ये 70-73 लोग हैं हमारे साथ में, ये सभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनमें से सफाई कर्मचारी भी हैं कुछ लोग, कुछ हमारे पास वाटर बक्सा के कर्मचारी हैं, कुछ ऑफिस के कर्मचारी हैं। इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है और सभी लोग हम बैठे हुए हैं धरने पर, और इसके बाद में हमारे लिए जो करने की कृपा करने की।